कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक बहुत प्यारी और बहुत उत्तम संदेश देने वाली जीवन की घटना है। जीवन के अंतिम क्षणों में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा थी। स्वामी विवेकानंद और अन्य शिष्य अपने गुरु के इस मर्मांतक पीड़ा को देखकर बहुत तकलीफ में रहते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने जिद किया ठाकुर से, ठाकुर आप सर्वसमर्थ हो, आप तो माँ काली से बात करते हो, क्यों नहीं अपनी इस पीड़ा के विषय में उन्हें कहते और क्षणों में इस कैंसर से मुक्त हो जाते हो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते, हे नरेंद्र, मेरे और मेरे प्रारब्ध के बीच में माँ को क्यों लाता है? अगर मैंने माँ से कुछ कहा तो फिर ये क्या हुआ, अपने ही प्रारब्ध का फल लेने के लिए एक शरीर और लेकर आना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र, इसका निपटारा हो जाने दे, छोड़ दे। मेरे और मेरे इस कैंसर के बीच में माँ को मतला। पर जब पानी पीने में भी तकलीफ होने लगी, तब नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद और शिष्य रोने लगे, गुरुदेव अब तो आपको माँ को कहना ही होगा। और फिर ठाकुर ने कहा, तुम सबों की यही इच्छा है तो जरूर कहूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सोकर उठे तो जोर जोर से हंसने लगे, गले में इतना भीषण दर्द, इतनी तकलीफ पीड़ा। इतने ठठाकर हंसते हुए देखकर नरेंद्रनाथ और सारे शिष्य आ गए, गुरुदेव क्या हुआ? अरे नरेंद्र, तेरे कारण आज कल मैं माँ के सामने बुद्धू बन गया। क्या हुआ गुरुदेव? मैंने माँ से कहा कि माँ, नरेंद्र और सारे शिष्य कहते हैं कि चलो कैंसर ठीक न हो पर गले की पीड़ा तो खत्म हो जाए, पानी तो पी सको, जल तो ले सको। तो माँ ने कहा, तूने क्या इस गले का ठेका ले रखा है? ये नरेंद्र का जो गला है वो किसका गला है? इस जगत में जितने भी गले हैं वो किसके गले हैं? तेरे ही तो हैं, तो क्या इसी गले का ठेका लेके बैठा है? और ये नरेंद्र, तूने मुझे बुद्धू बनवा दिया। सचमुच आज के बाद जो जल तू ग्रहण करेगा वो जल मैं ही तो ग्रहण कर रहा हूँ। इस धराधाम पर जितने भी लोग हैं उनके गले से ली गई सारी वस्तु मैं ही तो ले रहा हूँ। उसी समय डॉक्टर आ गए, ठाकुर हंसते थे। वैद्य ने पूछा, इस मर्मांतक पीड़ा में आप हंस रहे हो तो और दर्द होता होगा, क्यों हंस रहे हो? बोला, नरेंद्र ने बुद्धू बना दिया, इसके कहने से माँ के पास चला गया मैं और माँ ने कहा इस गले का ठेका लेके बैठा है। डॉक्टर सुने, वैद्य और अस्तब्ध हो गए, मानो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ये संदेश दे रहे हों। आत्मा, विश्वात्मा और परमात्मा में एकात्म भाव का संदेश, वही आत्मा है, वही विश्वात्मा है, वही परमात्मा है। कोई जरूरी नहीं है कि इस गले, इस हाथ, इस शरीर से ही सब कुछ हो, बल्कि आप सब भी तो वही हैं। वो शरीर अपना ही तो है, सब जगह हम ही तो हैं। सभी शरीरों के माध्यम से कर्म
भगवत नाम का प्रचार हो रहा, सुदूर बैठे मेरे पुत्र पुत्री शिष्य बच्चे सब मैं ही तो हूँ, उसी रूप में भगवान नाम प्रचार हो रहा। सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और आत्मा विश्वात्मा और परमात्मा के एकात्म भाव को महसूस करते हुए कभी निराश न हो। जो श्री कृष्ण के महारास में होते हैं वो कभी निराश नहीं होते। सब भगवान कार्य में लगे रहें, हरि कार्य में लगे रहें, स्वयं भी आनंदित रहें, लोगों में भी आनंद बांटें। यह चक्र है, सुख दुख जीवन मरण मृत्यु ये सब लगा रहता है, रोग सुख। इसलिए आंतरिक आह्लाद और आनंद के साथ सबके भीतर व्याप्त परमात्मा का भाव रखते हुए आह्लादित रहिए, नाम प्रचार करिए, चारों तरफ निजानंद और सर्वानंद के लिए काम करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।